नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अमरवाड़ा के राजगुरु पिपरिया ग्राम में चुनाव का किया गया बहिष्कार। पानी नहीं तो वोट नहीं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा जनपद पंचायत अमरवाड़ा के राजगुरु पिपरिया ग्राम में ग्रामीणों ने आज चुनाव का किया बहिष्कार। पानी नहीं तो वोट नहीं। विगत 25 सालों से पानी की समस्या है। 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्राम में जो ट्यूबवेल चालू है उन ट्यूबवेल को अधिग्रहण करके ग्रामीणों को पानी मिल सकता है, लेकिन जब हमने सरपंच से बात करी तो सरपंच ने बताया कि मैंने व्यवस्था के लिए ऊपर आला अधिकारियों से भी संपर्क किया है। 2 बोर स्वीकृत कराए पर बोर में पानी नहीं होने के कारण पानी की विराट समस्या का सामना जनता को करना पड़ रहा है। अब हम ग्राम के ही जो बोर चालू हैं उसे शासन द्वारा अधिग्रहण करके ग्रामीणों की पानी की व्यवस्था हम जल्द से जल्द बनवाएंगे। गांव का बहिष्कार करने का कोई कारण नहीं है। कारण वो ये कि लोगों को पानी की बहुत दिक्कत है। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पानी ला रहे हैं। एडीएम पास भी गए, सीओ साहब पास भी प्रस्ताव दिए, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। तो उसके सरपंच से कोई बात जो हुई तो उन्होंने कोई आश्वासन तो ऐसा दिए होंगे आप? सरपंच से बात हुई थी, सरपंच आश्वासन दिया था, बोले भैया मैंने प्रस्ताव दे दिया हूँ एसडीएम साहब को, दो दो उन्होंने बोर कराए, बोर में पानी नहीं। हाँ। जो बोर चल रहे हैं उनको अधिग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने भी मना कर दिया देने से। अच्छा, तो अभी ये समस्या गौ माता प्यासी मर रही, आदमी प्यासी मर रहे, पानी है नहीं, हैंडपंप भी पूरे खड़े हो गए। अच्छा, आप बताओ आपके तरफ से कैसी कैसा हल हो सकता है, ये बताओ। हल ये हो सकता है कि जिनका बोर चल रहा है अधिग्रहण हो जाए 2-3 महीने के लिए, बारिश होगी तो ये बोर अपना चालू हो जाएगा, पुराना समस्या का हो जाएगा। अच्छा, और क्या समस्या है ऐसी? और समस्या कुछ नहीं विशेष, बस पानी की समस्या। विशेष पानी की समस्या को लेकर चुनाव का बहिष्कार? हाँ, पूरा गांव का कहना है, मतलब ये अपना एक पर्सनल कहना नहीं है, पूरे गांव के लोगों का कहना है कि वोट नहीं डालेंगे यदि पानी की समस्या हल नहीं हुई तो। पर ये मैं जो पानी की जो समस्या है, लोग रो रो कर तक बता रहे हैं कि वहाँ पानी की विराट समस्या है और सरपंच हमारी सुधा, तो आपने उन ग्रामवासियों के लिए क्या व्यवस्था की? हाँ, ये तो समस्या सही है, बारिश कम होने के कारण जलस्तर नीचे चला गया, जिससे विकराल समस्या उत्पन्न हुई। ग्राम पंचायत के 2 बोर थे वाटर सप्लाई के, दोनों बंद हो गए हैं करीबन 3 महीने से। वर्तमान में 2-3 हैंडपम्प है जिससे लोग पानी ला रहे हैं, और ग्राम पंचायत के द्वारा 5 टैंकर प्रतिदिन घर दिया जा रहा है पानी। बाकी में गांव वाले की विकराल समस्या है, लोग परेशान हैं। इस संबंध में जनपद से लेकर तहसील और पीएचई तक हमने सारी जानकारी दे चुके हैं। एसडीएम साहब ने 4 बोर अधिग्रहण के आदेश भी किए हैं। पीएचई के माध्यम से पाइपलाइन की समस्या थी, पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। जैसे ही पाइपलाइन जोड़ेगी जल्दी समस्या का निदान किया जाएगा। चलिए, ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी नहीं पिला तो हम वोट नहीं डालेंगे, तो क्या ये अधिग्रहण करने से समस्या अगर हल हो सकती है तो इनको जल्द से जल्द अधिग्रहण करवा दिया जाए? हाँ, अधिग्रहण से तो समस्या का निदान हो जाएगा, मिलने लगेगा पानी, तो अधिग्रहण करवा दिया जाए जिससे वोट भी डाले आदमी और उनकी समस्याओं का हल भी हो। हाँ, अधिग्रहण किया जाए अधिकारियों के द्वारा मौका स्थल पर आकर, जिससे ग्राम की समस्या पानी की समस्या का निदान हो सके। आपका नाम? दिनेश कुमार वर्मा। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो चीफ अजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।